दिमाग लगा के लगे होते हैं कि करना क्या है क्या है। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल का है। एक आ सकता। बिल्कुल। अच्छा, अभी अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी? नहीं, बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है, रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी में? लेकिन F1 वालों का फॉर्मूला रेडी हो चुका है एंड वो 2022 में आ चुके हैं अपना 13 इटरेशन और 13 एडिशन लेके F1 2022। और मतलब कितने ही हाइपर रियलिस्टिक कर लोगे यार ग्राफिक्स। तो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द गेम वर्ल्ड। दिस इज द एपिसोड 8 इन विच वी गोना टॉक अबाउट गड्डी चलावे द फॉर्मूला 1। ये तो कैसा है गेम और मतलब क्या ये खरीदना बनता है, तो इन सब की बात करेंगे आज वाले इस एपिसोड में। लेट्स गो। तो सबसे पहले जो मैं इसमें बात करना चाहता हूँ वो है इसका प्राइस। सो यू कैन गेट दिस गेम ऑन ओरिजिन, क्योंकि है तो ईए के साथ ही था अब, तो आइदर यू कैन गेट इट ऑन ओरिजिन्स और या फिर आप स्टीम पे ले सकते हैं। और इसका प्राइस है 3000 रुपीज़ फॉर द बेस वेरिएंट एंड चैम्पियन एडिशन करके कुछ तो है विच इज़ 4500। बहुत महंगा है। सो यप, इट इज़ एक्सपेंसिव, स्पेशली इफ़ यू आर प्लेइंग इट ऑन अ कीबोर्ड और अ गेम पैड। तो आई एम नॉट श्योर कि उतना पैसा खर्चना गेम के लिए, especially if you're gonna play a racing game on a keyboard or a gamepad, it's worth it or not, but that is up to you to decide. अगर आपको keyboard और gamepad से खेलना पसंद है तो आप खरीद सकते हैं, but मेरे पास अगर यहाँ दिख रहा है तो I do have a steering wheel और a racing wheel, तो उससे यार देखो immersion तो बहुत next level हो ही जाता है। तो गाड़ी चलाने में it makes feel like you actually driving a car। आपके feedback है और full 360 rotation, so you have two cuts of your steering wheel which feels like gives you an actual car feeling। तो उसके साथ कोई भी racing game खेलने में बहुत मज़ा आता है और specially G29 ये full fledged पूरा compatible है और game के अंदर बहुत सारी customizations हैं and the best part 22 tracks, so we have 22 formula tracks all over the world। और वो सारे के सारे तो नहीं, but yeah most of them are laser imprinted, so basically it's an exact replica। तो अगर आप ट्रैक में ही घूम रहे हैं तो अब आपके पास नहीं है पासपोर्ट, नहीं है वीज़ा, नहीं हो पा रहा है भाई, पैसा भी नहीं है, तो घर बैठे खेल सकते हैं। और रही बात उन 10% वाले रहीश जादों की जिनके पास है फुल फ्लैश पूरा सेटअप, जिन्होंने पूरी रेलिंग वेरिंग रेसिंग कार सेटअप कर रखा है, यू नो दे हैव लाइक अ बिग स्क्रीन ऑन द फ्रंट, तो वो पूरा एक पूरी गेमिंग सीट लगती है, मतलब कार रेसिंग सीट लगती है। तो हाँ वो मेरे को भी बनाना है, तो विद इन लाइक कमिंग 1 or 2 ईयर आई थिंक आई ऑल्सो गोना मेक इट। तो मैं उसका थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी भी वीडियो मैं लाऊंगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरे को कमेंट्स में या किसी भी वीडियो में कोई रिप्लाई बैक आ नहीं रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को वैसे कुछ वीडियोज़ बनानी चाहिए या नहीं। आई नो मैंने अपने सेटअप की वीडियो नहीं बनाई है, जस्ट कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है दोस्त, तो आई एम नॉट श्योर। तो ये तो चलो आप लाइक इसको इन बातचीत को थोड़ा सा साइड रखते हैं, लेट्स गेट बैक टू द गेम। ग्राफिक्स हाइपर रियलिज्म फाट चुके हैं, मतलब इससे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ग्राफिक्स खराब, मतलब 2020 के हिसाब से नेक्स्ट लेवल डूड, लाइक और उससे ज़्यादा अच्छी कार कैसे दिखेगी। रे ट्रेसिंग ऑन करते ही जो रिफ्लेक्शन है, मतलब रियल लाइफ के रिफ्लेक्शन इतने अच्छे नहीं होते जितने इस गेम में। तो ग्राफिक्स है इट्स amazing। You have a racing wheel, वो आपके पास है, trainers, setups, अपना Formula One का team बना सकते हैं, तो वो सब कुछ इस game के अंदर है and yes, it is really fun to play। तो अगर आप देख रहे हैं कोई racing game और just specially like a Formula, so इससे तो मतलब it's like a no-brainer, just go buy it, you start playing it, you enjoy the whole game। और यही थी सबसे क्विक अपडेट वीडियो अबाउट दिस गेम एंड अब आपसे मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बूजी।